साथियों देखिए इंजन स्टार्ट हो गया है, गाड़ी का इंजन का साउंड देखिए बहुत बढ़िया साउंड है। लग रहा है कि इंजन बना नहीं है लेकिन इंजन बनाया गया है। देखिए अभी लड्डू भी चढ़ाया गया है। आओ बंद करके चालू करो एक बार। देखिए बंद करके चालू करवा रहे हैं, क्या स्टार्टिंग कह रही है इसकी इंजन, इंजन एक बार में स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। इंजन भी अच्छा स्टार्ट हो रहा है, कोई समस्या नहीं है साथियों। साथियों देखिए इंजन को फिट किया जा रहा है, इंजन कंप्लीट हो चुका है। देखिए चैन ब्लॉक के माध्यम से इसको फिट किया जा रहा है। देखिए इसके माउंट जो है टाइट किए जा रहे हैं। साथियों इंजन कंप्लीट हो चुका है, दिखाना चाहेंगे जो टर्बो चार्जर का जो पाइप है ये देखिए एयर फिल्टर में जाके लगता है। इसके बाद इधर आ जाइए, देखिए एयर फिल्टर में से आके ये एक्स्ट्रा एयर जो होता है उसमें से लेता है। और तीन देखिए इसमें वैक्यूम लगे हुए हैं, एक इसमें वायरिंग लगेगी, एक इसमें लगेगी, एक इसमें लगेगी टर्बो चार्जर प्रेशर बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए एक ये पाइप गई है इसमें से टर्बो चार्जर में, EGR में, देखिए EGR का ये वाल्व खोलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसमें से जो गई है ये वाली दूसरे में से, ये वाली देखिए गई है सीधे गई है ये इस टर्बो में, एक्चुएटर में गई है ये वाला मेन टर्बो जो है काम करेगा, उसको वैक्यूम करेगी। और ये अपनी दूसरी वाली है साथियों, देखिए ये इसमें से ये मेन वाली पाइप इसमें गई है, इसमें दिखाना चाहूँगा ये इसमें गई है, ये देखिए आई हुई है इसमें। EGR खोलेगी, इसमें दो EGR लगे हुए हैं, ठीक है साथियों। ये पिकअप के लिए है। तो इस तरह इसका जो है वैक्यूम पंप का सिस्टम है। और देखिए मेन पाइप जो है जो वैक्यूम पंप में लगता है ये मेन पाइप है, ये मेन पाइप देखिए इसमें लगा हुआ है, इधर से आके तीनों में जॉइंट किया गया है, मेन में इसमें लगा हुआ है। और ये पावर स्टीयरिंग में चल जाएगा, सॉरी पावर ब्रेक बूस्टर में, ब्रेक बूस्टर में ये जाएगा, ब्रेक बूस्टर में जाएगा। ये दिखाना चाहेंगे फिर से, देखिए ये पाइप आया हुआ है ये नीचे से, देखिए यहाँ पे आया हुआ है इसमें, इसमें यहाँ पे टी लगा हुआ है, देखिए टी में लगा हुआ है, तीनों मेन मेन में गया है, ये मेन वैक्यूम में ही है जो मेन मेन, देखिए इसमें भी मेन में गया है और इसमें भी, देखिए इसमें भी आया है मेन में और यहीं से इसमें भी मेन में आया है, तीनों में आया हुआ है साथियों। तो इस तरह इसके वैक्यूम काम करते हैं साथियों। आर्टिका 7 गियर की टाइमिंग है, दिखाना चाहेंगे कुछ करते हैं आपको। देखिए ये टाइम, देखिए ये जो है कट बना हुआ है, कट के सामने देखिए एक क्वार्टर पिन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए एक बिंदी रहता है, देखिए सामने दिखाई दे रहा है बिंदी, ये मार्क है। और आपका ये आयल पंप की कोई टाइमिंग नहीं रहेगी साथियों, ठीक है। अभी यहाँ पे चैन गाइड लगेगी, बाबू इसकी चैन गाइड कहाँ है दिखाओ। और आप आ जाइए इधर आगे का केम का, ये देखिए बिंदी है ना, ये बिंदी दोनों बिंदी के बीच में रहेगी और ऊपर चैन वाली मक्खी जो यहाँ पे रहेगी साथ में। तो इस तरह है टाइमिंग आर्टिका 7 गियर की, इसका इसमें डबल चैन होता है, ये आयल पंप का चैन है, मैं एक बार बताया हूँ कि इसमें कोई टाइमिंग नहीं रहेगा। ये अपना जो है चैन गाइड है जो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, अभी लगा नहीं है,
इसमें एक स्प्रिंग भी रहेगा साथ में। देखिए साथियों टाइमिंग है इसकी, एक बार दिखाया हूँ, एक बार और दिखाना चाह रहा हूँ दोबारा। ये देखिए बिंदी है ना, दोनों बिंदी के बीच में करीब से दिखाना चाहेंगे, अंदर की है गियर की टाइमिंग और अपना। ये देखिए यहाँ पे ये बड़े वाले गियर की टाइमिंग है और आ जाइए ये देखिए जो अपना क्वार्टर पिन है कट के सामने रहेगा और चैन का देखिए निशान यहाँ पे रहेगा, दिखाना चाहेंगे। आयल पंप की कोई टाइमिंग नहीं रहेगी साथ में, यहाँ पे अभी चैन गाइड लगेगी। साथियों दिखाना चाहेंगे आर्टिका का 7 गियर वाली का नई वाली का जो इंजन है डीजल, उसको देखिए बांधा जा रहा है, धुलाई कुछ इस तरीके से हुई है। इंजन में साफ़ सफाई का बड़ा मतलब होता है साथियों, इंजन साफ सुथरा है तो इंजन की लाइफ रहेगी, इसलिए कि थोड़ा भी कचरा रहेगा अगर तो इंजन की लाइफ को ख़राब कर सकता है, इसलिए साथियों देखिए इंजन को धुला गया है, अच्छे से धुलाई किया गया है, दिखाना चाहेंगे। साथियों आर्टिगा है 7 गियर वाली, इसका देखिए EGR खोला गया है तो पूरी लाइन देखिए एकदम जाम था। देखिए यहाँ पे इतना कचरा निकला हुआ है, साफ किया गया है। मुकेश चंद गौड़ जो है देखिए बाहर निकला हुआ है, ये पकड़ो बाबू तो इसको, ये देखिए दूसरे वाले भाग में इतना कचरा था। ये देखिए पहला वाला जो भाग है ये देखिए पूरा कचरे से एकदम ढका हुआ है, तो गाड़ी पिकअप कहाँ से लेगी, गाड़ी ब्लैक स्मोक देगी ही देगी। तो लाइन इसका जाम है साथियों, तो साफ करके लगाते हैं, चेक करते हैं गाड़ी को।